नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा और आप सभी का दवायर हिंदी में स्वागत है। 15 जून 2005 ये वही तारीख थी जिस दिन संसद से आरटीआई एक्ट पास किया गया। इस कानून ने देश के करोड़ों लाखों लोगों को अधिकार दे दिया कि वो गांव के पंचायतों से लेकर के प्रधानमंत्री सचिवालय और राष्ट्रपति कार्यालय तक के अंदर की फाइलें और उससे जुड़ी जानकारियाँ हासिल कर सकें। लेकिन इस समय सरकार एक आरटीआई संशोधन बिल लेकर के आ रही है जिसके ज़रिए मुख्य रूप से जो सूचना आयुक्त होते हैं उनका कार्यकाल और उनकी सैलरी नए तरीके से निर्धारित करने की योजना है। पिछले कई सालों में लगातार आरटीआई एक्टिविस्टों पर हमले हो रहे हैं लेकिन अभी भी सदन से विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट कानून पास नहीं किया गया है। आरटीआई संशोधन होने से क्या प्रभाव पड़ेगा देश की जनता पे, उस पर क्या असर पड़ेगा, इन सभी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ NCPRI की मेंबर और पिछले कई सालों से आरटीआई की दिशा में काम कर रही अंजलि भारद्वाज जी मौजूद हैं। अंजलि जी, आपका स्वागत है। और हमारे साथ 19 जून को बिहार में राजेंद्र सिंह जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट थे उनकी हत्या कर दी गई जानकारी मांगने के कारण उनके घर से उनके परिवार से हमारे साथ राजेश रंजन जी जुड़े हैं। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। अंजलि जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो आरटीआई संशोधन होने जा रहा है वो किस तरीके का संशोधन है और उससे जो हमारा कानून है आरटीआई एक्ट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो सूचना का अधिकार कानून है उसने लोगों को पूरे देश में सशक्त किया है कि वो सरकारों पे निगरानी रख सकें, सूचनाएं मांग सकें और सूचना का इस्तेमाल करके सरकार को जवाबदेह कर सकें। और अगर हम देखें तो सूचना के अधिकार कानून का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल सभी देशों में जहाँ पे ऐसे कानून है सबसे ज़्यादा भारत में है, क्योंकि यहाँ पे आम नागरिक समझे हैं इसकी ताकत और लोग अपने राशन, अपने पेंशन, पढ़ाई, दवाई, इन सब चीज़ों के ऊपर सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करके सूचनाएं निकालते हैं और कोई भी भ्रष्टाचार होता है, अनियमितताएँ होती हैं उसको उजागर करते हैं। अब इसमें जो एक बहुत ही अहम भूमिका है सूचना आयोगों की, क्योंकि यदि किसी को सूचना नहीं मिलती, कानून में लिखा है कि 30 दिन के अंदर सूचना मिलनी होती है यूजुअली, अगर सूचना नहीं मिलती है तो लोग अपील में जाते हैं और जो उनकी फाइनल एडजुडिकेटरी बॉडी है, अपील बॉडी है, वो है सूचना आयोग। और सूचना आयोग में जो अधिकारी बैठे हैं उनका काम है कि वो इंडिपेंडेंटली बगैर किसी डर के, बगैर किसी दबाव के सूचना देने के लिए, मुहैया कराने के लिए डायरेक्शन सरकार को दे सकें। अब जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो अभी हाल ही में एक अमेंडमेंट बिल लाई है संशोधन करने के लिए इस कानून का, जिसमें दो पहलू हैं। पहली चीज़ ये है कि अभी जो कानून है उसमें सूचना आयुक्तों को 5 साल के लिए नियुक्त किया जाता है सब्जेक्ट टू रिटायरमेंट एज, 65 साल की रिटायरमेंट है लेकिन उनकी जो नियुक्ति होती है वो 5 ईयर टेन्योर दिया गया है वैसे। और दूसरी चीज़ जो सैलरी है उनकी सूचना आयुक्तों की, उसे तय किया गया है कि वो इलेक्शन कमिश्नर्स जो हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स की जितनी होगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज के जितनी सैलरी होगी। अब इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि सरकार के पास ये पावर ना हो कि कितनी देर तक कोई सूचना आयुक्त रहेंगे और कितनी सैलरी उनको मिलेगी वो ये तय करें, ये कानून के अंदर लिखा था। अब जो संशोधन लाया जा रहा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है कि सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, केंद्र पे जो सूचना आयोग है और सारे राज्यों में जो सूचना आयोग है, सभी के आयुक्तों की सैलरीज और टेन्योर सरकार तय करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट तय करेगी। तो ये तो एक पूरे तरीके से सरकार का ये मंशा दिखाती है कि वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से नहीं चाहते कि कमीशन्स काम करें, क्योंकि आप ये सोचिए कि यदि कमिश्नर्स की, मान लीजिए, टेन्योर को, कार्यकाल को केवल 1 साल रखा जाता है और कहा जाता है हम रिन्यू करेंगे, तो उन पर एक दबाव रहता है कि यदि वो कुछ ऐसी सूचनाएँ मुहैया करने के लिए डायरेक्शन दे जो सरकार को पसंद नहीं है तो उनका रिन्यू नहीं होगा, तो वो अपना काम बगैर किसी डर के और स्वतंत्रता से नहीं कर पाते। उसी तरह से सैलरीज का जो है उसको कहा जा रहा है हम तय करेंगे, तो उसमें भी इंटरफियर करके और एक दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा मैम, इसमें सरकार का एक तर्क है कि चूंकि जो इलेक्शन
कमिश्नर होते हैं उनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होती है। इस हिसाब से ये हुआ कि जितने भी सूचना आयुक्त हुए, इन्फॉर्मेशन कमिश्नर, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर हो गए। अब वो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है, और चूंकि ये जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है वो स्टेचुटरी बॉडी है, यानी कि वो एक कानून पास करके उसको बनाया गया है। तो आपको क्या लगता है, ये तर्क सही है? वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि जिसका जो चूंकि जो स्टेचुटरी बॉडी है तो उसको उस हिसाब से, उस आधार पे उसकी सैलरी और टेन्योर निर्धारित की जानी चाहिए। देखिए, ये बिल्कुल इस तर्क में कोई दम नहीं है। पहली चीज तो ये है, ना तो हमारे संविधान में ना ही किसी कानून में ये लिखा है कि इस तरीके की सैलरी तय नहीं की जा सकती, कि किसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के इक्विवेलेंट नहीं दिया जा सकता किसी स्टैट्यूटरी बॉडी के अधिकारियों को। तो ये कहाँ से आया, सरकार कहाँ से ला रही है तर्क, अभी तक सरकार नहीं बता पाई है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये पार्लियामेंट में बहुत समय तक चली थी। स्टैंडिंग कमिटी ने भी यही कहा था कि ये तय इसलिए होनी चाहिए है इलेक्शन कमिश्नर्स के स्तर पे सैलरीज इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की, जिससे कि वो इंडिपेंडेंटली फंक्शन कर सके। तो ये कहना कि अब ऐसी ज़रूरत दिख रही है, क्या ज़रूरत है? हमें कोई ज़रूरत नहीं नज़र आ रही कि सरकार इस तरह से कानून में छेड़छाड़ करे, बल्कि सरकार का काम है जो कानून में लिखा है वो करे। सरकार का काम है कि जो सूचना आयुक्त हैं उनकी समय से नियुक्ति हो। आज अगर हम देखें, केंद्र सूचना आयोग में 11 में से 4 वैकेंसीज हैं, उन पदों को भरा नहीं जा रहा। अभी 4 और वैकेंसीज आने वाली हैं, तो 8 पद खाली हो जाएंगे। सरकार का काम है, प्राइम मिनिस्टर का काम है कि वो सिलेक्शन कमिटी में उनकी चयन करे, उनकी पदों की नियुक्ति करे, वो कर नहीं रहे हैं। उसकी जगह कानून को और बुरी तरह से अपंग करने के लिए इस तरीके के संशोधन लाए जा रहे हैं। आप सभी को एक बार बता दें कि इस समय देश भर में जो हमारे सूचना आयोग हैं और जो केंद्रीय सूचना आयोग है उसकी स्थिति क्या है। तो आंध्र प्रदेश में एक भी सूचना आयुक्त नहीं है, एक तरीके से ये पूरा सूचना आयोग निष्क्रिय है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र का जो राज्य सूचना आयोग है उसमें अभी तक 40,000 अपीलें और शिकायतें पेंडिंग है। उसी तरह केरल राज्य सूचना आयोग में अभी 14,000 अपील और शिकायतें पेंडिंग है। गुजरात, महाराष्ट्र और नागालैंड में एक भी मुख्य सूचना, मतलब वहाँ पे मुख्य सूचना आयुक्त है ही नहीं। बगैर मुख्य सूचना आयुक्त के यहाँ के सूचना आयोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक बार RTI कन्वेंशन के दौरान एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि RTI एक ऐसा हथियार है जो कि आम आदमी को न सिर्फ जानने का अधिकार देता है बल्कि सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करने का भी अधिकार देता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि चूंकि प्रधानमंत्री एक तरफ ये बात कह रहे हैं, दूसरी तरफ जो संशोधन हो रहा है, तो क्या इनकी बातें जो हैं, प्रधानमंत्री जो बात कर रहे हैं और जो संशोधन बिल अभी राज्यसभा में लाया जा रहा है, क्या ये सही है? देखिए, जो प्रधानमंत्री ने बात कही वो बिल्कुल सही है। लोगों को सशक्त करता है ये कानून, जो सत्ता में बैठे हैं उनको जवाबदेह बनाने के लिए। पर जो आज सरकार कर रही है उससे स्पष्ट दिखता है कि सरकार जवाबदेह होना ही नहीं चाहती। सरकार किसी को जवाब नहीं देना चाहती। सूचना देने से क्या छुपाना चाहती है सरकार? सूचना के अधिकार कानून में स्पष्ट रूप से लिखा है कि लोकतांत्रिक अधिकार है, हमारा संवैधानिक अधिकार है। और जो सूचनाएं जो कुछ नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित है हम वैसे ही नहीं ले सकते। तो सरकार को डरने की क्या ज़रूरत है? और इस तरीके से सरकार जो इंस्टीट्यूशन है सूचना के अधिकार का, उसको बुरी तरह से तोड़ मरोड़ रही है। तो हम ये देख रहे हैं कि पिछले 4 साल में मोदी जी ने कहा कन्वेंशन में, पर चुनाव से पहले तो ये कहा जाता था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये भी कहा जाता था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे। लेकिन पिछले 4 साल में हम देख रहे हैं कि सारे इंस्टीट्यूशंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जो संस्थाएं सरकार को जवाबदेह बनाती हैं, भ्रष्टाचार विरोधी हैं, उनको तोड़ा जा रहा है, उनको कमज़ोर बनाया जा रहा है। और जो सारे भ्रष्टाचार विरोधी कानून हैं उनको लागू ही नहीं कर रही सरकार। आप लोकपाल को देख लीजिए, 4 साल हो गए, एक भी लोकपाल की नियुक्ति आज तक नहीं हुई। विसल ब्लोअर कानून प्रोटेक्शन के लिए जो कानून था उसकी भी आज तक लागू नहीं किया है सरकार ने। आपने विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की बात की। पिछले एक महीने में बिहार के अंदर 2 RTI कार्यकर्ता राजेंद्र सिंह और वाल्मीकि यादव, इनकी हत्या हो चुकी है सूचना मांगने के कारण। हमारे साथ इस समय स्टूडियो में राजेंद्र सिंह जी के परिवार से राजेश रंजन जी मौजूद हैं। रंजन जी, बताइए कि क्या हुआ था और किस वजह से उनकी हत्या की गई? वो सूचना के अधिकार के तहत प्रखंड स्तर पे जितने भी अनियमितता होती थी
उसका सूचना के अधिकार से मांग कर उसको सार्वजनिक करते थे, और सार्वजनिक ही नहीं करते थे, उसकी कोर्ट में भी वो केस करते थे। किस किस प्रकार की वो सूचना मांग रहे थे? जैसे शिक्षक नियोजन का मामला था, और इंदिरावास योजना से जुड़ा हुआ था, आंगनबाड़ी सेविका है जिसकी बहाली हुई थी, जिसकी नियोजन हुई थी, जो बहुत फर्जी तरीके से, मतलब जो मुखिया होते थे वो उनको अधिकार होता था नियुक्ति का, आंगनबाड़ी सेविका और शिक्षिका शिक्षक, तो वो अपने चहेते लोगों को उसमें जो है बहाल करते थे। तो ये सूचना के अधिकार के तहत इनको जो जानकारियाँ हासिल हुई उसमें काफ़ी मात्रा में फर्जीवाड़ा था, जिसका जो है वो न्यायालय में जाकर भी केस किए थे। आपको बता दें कि विसल ब्लोअर्स वो होते हैं, उन्हें कहते हैं, जो सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर से कुछ ऐसी जानकारी, कुछ ऐसी सूचनाएं लीक करते हैं या उन्हें पब्लिक करते हैं, उन्हें बताते हैं कि अगर वो कहीं देखते हैं कि अंदर में कुछ गड़बड़ियां हो रही हैं, कुछ गलत हो रहा है प्रशासन में और सरकार के अंदर में, तो वो चीज़ें वो सार्वजनिक करते हैं, जनता को बताते हैं। मैम, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट कानून अभी तक मतलब आज 2014 में वो पास किया गया था, लेकिन अभी तक उसको ज़मीन पे नहीं लाया गया, सक्रिय नहीं किया गया, क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून, एक तो मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, ये हमारे देश में जो कानून आया है उसकी लड़ाई बहुत पहले से चल रही थी। 2002 में जब सत्येंद्र दुबे, जिन्होंने हाईवे के अंदर जो करप्शन हो रही थी अथॉरिटी में उसको उजागर किया, उनकी हत्या कर दी गई, 2002 से इसकी मांग चल रही थी और 2014 में इसको पास किया गया। अब पहले क्या होता था कि केवल उन्हीं लोगों के पास सूचना होती थी जो सरकार के अंदर होते थे। जब से सूचना का अधिकार कानून आया है तब से हर नागरिक इस देश का एक तरह से विसल ब्लोअर हो गया है, क्योंकि वो सूचना लेकर उसको उजागर कर सकते हैं भ्रष्टाचार को जो फाइलों में दिखती है। तो अब 2005 से अभी तक 70 से ज़्यादा लोगों की हत्या कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने सूचना के अधिकार का इस्तेमाल किया और भ्रष्टाचार को उजागर किया है। उन्हीं में से एक राजेंद्र सिंह जी भी थे। लेकिन अगर हम देखें, जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन कानून है वो फाइनली 2014 में बहुत लंबी लड़ाई के बाद पारित हुआ, और उसके अंदर ये कहा गया है कि केवल लागू ऐसे लोगों पर नहीं होगा जो विभागों में काम करते हैं, बल्कि कोई भी नागरिक जो भ्रष्टाचार का उजागर करते हैं सूचना को लेकर, उनके ऊपर भी प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का एक तरह से कवच है। तो ये कानून जो है बहुत ज़रूरी था। अगर कोई सरकार कहती है कि हम भ्रष्टाचार का विरोध करते हैं और उसे रोकना चाहते हैं, तो उन्हें तो ऐसे लोगों को बहुत प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, सुरक्षा देनी चाहिए जो आके सामने भ्रष्टाचार का उजागर कर रहे हैं। लेकिन सरकार ने 4 साल से ये कानून ऐसे ही पड़ा है, इसके लिए कोई रूल्स नहीं बनाए, बल्कि इस कानून को संशोधित करने के लिए एक बिल भी जारी कर दिया है। और इतने में 4 साल में जो ये सारे लोग हैं जो कि भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे हैं, चाहे वो विभागों के अंदर बैठ के कर रहे हों या फिर ज़मीन पे, जैसे आपने कहा वो नरेगा के ऊपर लोग सूचना निकालते हैं तो चोरी पकड़ी जाती है, शिक्षक की और अस्पतालों के लिए जो डॉक्टर हैं उनकी नियुक्तियों के ऊपर लोग करते हैं, व्यापम स्कैम का हमने नाम सुना है, इन सब केसेस के अंदर लोग जब आरटीआई लगाते हैं, सूचना निकालते हैं, भ्रष्टाचार उजागर करते हैं तो उन्हें मार दिया जाता है, वो प्रोटेक्शन मांगते हैं तो उन्हें मिल नहीं रही, जबकि कानून बना हुआ है, तो सरकार नहीं इसको लागू कर रही। जाहिर सी बात है, अगर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट कानून पास हुआ होता तो पास हो गया है, लेकिन अगर उसे लागू किया गया होता तो राजेंद्र सिंह और वाल्मीकि यादव जैसे कई सारे आरटीआई एक्टिविस्टों की जिंदगी बच सकती थी, उन्हें सुरक्षा मिल सकती थी। आप एक बार हमें बताइए कि जैसे जब वो जिस तरीके की सूचना मांग रहे थे, तो क्या प्रशासन ने किस तरीके का उनकी मदद करने की कोशिश की कि नहीं, उन्होंने जहाँ भी शिकायत की होगी? प्रशासन मदद के रूप में उनके ऊपर ही फर्जी मुकदमा किया है। अच्छा। इतना मदद तो ज़रूर मिला कि वो गए इन सब मामलों को लेकर थाने में, तो बोला कि चलिए इस पर हम देखेंगे, इसको कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसके एक दो दिन बाद उन पर फर्जी मुकदमा लाया जाता था, 10-10 महीना जेल में रहे हैं। इस समय स्टेटस क्या है, जैसे उनकी भी हत्या हो गई तो उसके बाद में क्या कुछ कार्रवाई हुई, जो लोग आरोपी लोग हैं उनके ऊपर? उनकी हत्या 19 जून को हुई थी जी। उसके हत्या के 2-3 दिन के बाद जो है ना, एक शूटर पकड़ाता है,
उसके बाद दो चार दिन के बाद दो लोग सरेंडर करते हैं, उसके बाद से अभी तक जितने भी नेम्ड हैं किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही कोई सूचना मिल रही है कि पुलिस के द्वारा ये काम किया जा रहा है, यहाँ यहाँ पे हमने ये किया। हम लोग उनके संपर्क में रहते हैं, बट वही है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम लगे हुए हैं, आज गिरफ्तारी होगी, कल गिरफ्तारी होगी, ऐसा करके मतलब टाल मटोल हो रहा है। हत्या से पूर्व लगभग 10 दिन पहले से, ऐसे तो बहुत बारी गए हैं वो, पुलिस से अपनी सुरक्षा के संबंध में आवेदन दिए हैं, लेकिन हत्या से 10 दिन पहले बहुत ज़्यादा, मतलब DIG स्तर के अधिकारियों तक जो है ना वो लेटर लिखे हैं कि मेरे जान को खतरा है, और उनको अंदेशा हो चुका था ऐसा, तो ना प्रशासन द्वारा कोई उनको सुरक्षा नहीं प्रदान की गई। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए दो अन्य लोग और जुड़ रहे हैं। एक हैं व्यापम घोटाले को उजागर करने वाले, मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा शिक्षा में घोटाला हुआ, व्यापम घोटाले को उजागर करने वाले आशीष चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, और उड़ीसा में RTI एक्टिविस्टों के साथ मिलकर के काम करने वाले प्रदीप प्रधान जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष जी, आपने पूरा मध्य प्रदेश का जो व्यापम घोटाला था उसको आपने उजागर किया था, और RTI की काफ़ी ज़्यादा मदद ली थी आपने, कई सारे RTI एप्लीकेशन फाइल करके बहुत सारी जानकारियां आपने निकाला, और उसके ज़रिए एक बहुत बड़ा घोटाला निकल के सामने आया। एक एक्टिविस्ट होने के नाते आप कितनी ज़रूरत महसूस करते हैं कि विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द पास लागू किया जाना चाहिए? जो मेरा अनुभव रहा आपसे 10 सालों से मैं RTI को यूज कर रहा हूँ, RTI के माध्यम से जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला और कई अन्य घोटाले और मामले जो सार्वजनिक हुए, उन सब मामलों को देखकर जैसे और भी एक्टिविस्ट जो काम कर रहे हैं उनके सुरक्षा के लिए, उनको एक प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको ऐसा महसूस हो कि ये सरकार उनके साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर काम कर रही है, ये सूचनाएँ वो सरकार की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए उपलब्ध करा रहे हैं, ना कि अपने लिए खतरा मोल लेते हुए। इसको देखते हुए विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की तुरंत आवश्यकता। एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि जैसे जब एक बार आप RTI फाइल करते हैं और जब सीधा आप सत्ता से सवाल करते हैं, कुछ ऐसी जानकारियां निकालते हैं जिससे सत्ता को डर लगने लगता है, तो आपको एक एक्टिविस्ट होने के नाते आपको किस प्रकार का डर, आपको भी डर लगता होगा, किस प्रकार की समस्याएं आपके सामने आती हैं, और अब जब शिकायत करते हैं, पुलिस में शिकायत करते हैं, तो वहां से किस प्रकार की प्रतिक्रिया आपको मिलती है? एक RTI एक्टिविस्ट होने के नाते जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक RTI एक्टिविस्ट जो भी जानकारियाँ निकालता है, जो भी RTI एक्टिविस्ट RTI के लिए काम करते हैं, वे जानकारियाँ सरकार की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए और सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए निकाली जाती है। लेकिन सरकार वर्तमान रूप में, वर्तमान परिदृश्य में जिस प्रकार से RTI एक्टिविस्टों को देख रही है, ऐसे विसल ब्लोअर्स जो कि सरकार में बैठे हैं या सरकार के बाहर हैं, सरकार की गड़बड़ियों को उजागर करते हैं, उन्हें दुश्मन के रूप में, उन्हें एक अपने प्रतिद्वंदी के रूप में जिस प्रकार से देख रही है, वो कहीं ना कहीं स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल खतरनाक। अच्छा, जो स्थानीय पुलिस होती है जब वो शिकायत करते हैं कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है या हमें कोई मार सकता है, तो वहाँ से किस तरीके की प्रतिक्रिया आपको मिलती है? क्या वो आपकी चीज़ों को गंभीरता से लेते हुए मदद करने की कोशिश करते हैं? शुरुआती तौर पर तो मतलब जो उनका SHO लेवल से अगर बात की जाए, एक स्टेशन ऑफिसर इंचार्ज से, वहाँ जब आप जाते हो तो मेरा खुद का व्यक्तिगत अनुभव रहा है, जब शुरुआत में मैं गया तो उल्टा आपको ये समझाइश दी जाती है कि सब कल्पनाओं में पढ़ के हो रहे हो, अपना जिंदगी जियो, तुमको इन सब मतलबों से क्या मतलब। उनकी एक जिम्मेदारी होती है, उनकी एक नैतिकता होती है, जब वे इस प्रोफेशन में आते हैं तो वो एक कसम इस बात की खाते हैं कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, पारदर्शिता के लिए काम करेंगे। पर जब पारदर्शिता और ईमानदारी की बात आती है तो उनके कर्तव्यों में कोसों दूर दिखती है। एक मध्य प्रदेश सरकार के सीनियर IAS जिनसे मैं व्यापम घोटाले की जाँच के दौरान मिला, तो उनके खुद के कुछ वाक्य मुझे अच्छे से याद है। उन्होंने मुझे कहा कि इस पूरे कुएं में भांग घुली है, तुम भी नशा लो, तुम्हें भी मजा आने लगेगा। जब मध्य प्रदेश सरकार के जो अधिकारी हैं उनके ऐसे बयानात हो तो आप उस हालात को समझ सकते हैं जी। प्रदीप जी, उड़ीसा में कई सारे ऐसे मामले पिछले कई महीनों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पे माइनिंग और कोऑपरेटिव सोसाइटी से सूचना निकालने के कारण कई सारे एक्टिविस्टों पे हमले हुए हैं, इसके बारे में आप जरा बताइए क्या मामला है? नहीं, उड़ीसा सिंस 18 इयर्स अपने नवीन पटनायक गवर्नमेंट एवरी फील्ड विल फाइंड करप्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम टॉप टू बॉटम एंड देयर इज अ ह्यूज काम इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, एंड द कोऑपरेटिव स्कैम इज अ मेगा स्कैम। यू सी, वी हैव द कोऑपरेटिव्स अक्रॉस द स्टेट, ओके, एट द पंचायत लेवल, एंड कोऑपरेटिव इज हैज बीन गिवन द अथॉरिटी टू गो फॉर द कलेक्शन ऑफ द पेडी एंड ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूट द लोन्स।
and there is a huge scam in distribution the loans to the farmers, and also the compensation amount that is given to the farmers on the filing there is a cyclone, filing cyclone fund. There is a huge misapplication. एक बार मैं आपको अनुवाद करके बता दूं कि प्रदीप जी ये कह रहे हैं कि ओडिशा में पिछले कई सालों में करप्शन के बहुत सारे मामले सामने आए, जिसमें से खास करके कोऑपरेटिव सोसाइटी में करप्शन के मामले सामने आए. उसमें लोन डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए लोन डिस्ट्रीब्यूशन जो स्कीम है, जो योजना है, उसके तहत बहुत सारे पैसे आते हैं, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के दौरान भारी काफ़ी हाई लेवल पे वहाँ पे भ्रष्टाचार किया जा रहा है. और जो स्कैम है, जो माइनिंग स्कैम है, उड़ीसा के मेगा माइनिंग स्कैम है. इट मीन इट इज अ मेगा स्कैम इन ऑल रेस्पेक्ट्स इवन इन द कंट्री. एंड एज फॉर दिस शाह कमीशन रिपोर्ट, जो शाह कमीशन इंक्वायरी करता है जो माइनिंग स्कैम है, 60,000 करोड़ का स्कैम है, जो मेगा स्कैम है इन उड़ीसा में. एंड वो तो माइनिंग स्कैम एक्सपोज हुआ आरटीआई में, वो तो अपोजिशन लीडर डिमांड करते सभी इंक्वायरी में, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चला रहे, प्रशांत भूषण तो केस लड़ रहे हैं. वो ओडिशा हैड सफर्ड ए ह्यूज लॉट ड्यू टू दिस स्कैम. एंड अनदर स्कैम दैट हैज बीन एक्सपोज इन ओडिशा, दैट इज मेगा, दैट इज लैंड स्कैम. एंड इन दिस स्कैम इज बेसिकली इन टर्म्स ऑफ द अलॉटमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड प्लॉट्स इन भुवनेश्वर एंड ऑल्सो दी कटक. ओडिशा राज्य सरकार जो है वो आरटीआई एक्टिविस्टों की सुरक्षा और आरटीआई कानून को करके किस तरीके का काम? इन ओडिशा फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग द स्टेट गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू डाइल्यूट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट. दे हैव मेड सुरीसे एंड दे हैव कम आउट विद ओडिशा आरटीआई रूल्स, राइट टू इंफॉर्मेशन रूल्स. द रूल्स इटसेल्फ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दैट वी हैव. या एक्चुअली हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, कोई नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है. ये जो ओडिशा में जो सरकार जो रूल बनाता है आरटीआई का रूल है, रूल तो ये डिफेक्टिव है एंड इट डज नॉट अलाउ द पीपल टू सीक द इंफॉर्मेशन. एंड दे हैव मेड ए वेरी कंपल्सरी आरटीआई एप्लीकेशन करता है, जो उनके साधारण लोग वो फिलअप नहीं करता है, वो सूचना वक्त तो मैंने यो विरोध कथा है. तो आप ये कह रहे हैं कि शुरू से ही उड़ीसा सरकार ने आरटीआई कानून को कमजोर करने की कोशिश की है, और उसके आरटीआई को इस्तेमाल करते हुए जितने घोटाले उजागर किए गए हैं, उसके बाद से आरटीआई एक्टिविस्टों पे खतरा जो है बढ़ रहा है. नहीं, वो तो 10 साल के लिए वो 30-35 आरटीआई पे अटैक हुआ, फॉल्स केस हुआ, 30-35 लोगों पे 35 कर ले, 2 आरटीआई से मर्डर हुआ अभी तक. अच्छा. वो तो क्राइम ब्रांच से इंक्वायरी हुआ और दे अरेस्टेड, पर केस भी चल रहा है. सो ओडिशा में आरटीआई एक्टिविस्ट का लाइफ रिस्क ज़्यादा है जी. तो जैसा कि बता रहे हैं प्रदीप जी कि ओडिशा में लगातार आरटीआई एक्टिविस्टों पे हमले हो रहे हैं, 30-35 ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, 2 लोगों का मर्डर भी हो चुका है. तो ऐसी स्थिति में विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट कानून लागू हो जाना, इसकी बेहद ज़रूरत महसूस होती है. एक बार आपको चलते चलते बता दें कि CIC की जो एनुअल रिपोर्ट है 2017-18 की, उसके मुताबिक 2014-15 में 8.45 लाख आरटीआई आवेदन की रिप्लाई नहीं दी गई, 2015-16 में 11.65 लाख आरटीआई आवेदन अभी तक पेंडिंग पड़े, उसकी कोई रिप्लाई नहीं दी गई, जो 2016-17 में 11.29 लाख आरटीआई आवेदनों की रिप्लाई नहीं दी गई. लगातार आरटीआई कमिश्नर की नियुक्ति नहीं हो रही है, मामले पेंडिंग हैं, और आरटीआई अपील और शिकायतें इनकी संख्या लगातार आयोगों में संख्या बढ़ती जा रही है, और दूसरी तरफ सरकार जो है वो आरटीआई कानून में संशोधन ला रही है. लोग जो ज़मीन पे, जो लोग इसके लिए लड़ते रहे हैं, वो इस संशोधन को रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी देखना है कि सरकार इस दिशा में क्या फैसला लेती है. द वायर पे आरटीआई से रिलेटेड कई सारी स्टोरीज की गई हैं, आप उसको जाकर के thewirehindi.in इस पे विजिट करके आप इन सभी चीज़ों को पढ़ सकते हैं. इस कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. आप देख रहे थे द वायर हिंदी. द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें.